नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई दुबई से रिलेटेड। शायद ये मैं आपको बताना मेरी जिम्मेदारी है, आप लोग जो दुबई में हैं शारजा में खास तौर से, उन लोगों के लिए खास तौर से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई देखिए रमजान पाक महीना चल रहा है, सामने ईद भी आने वाली है, तो हो सकता है अगर आप अभी फ्री बैठे होंगे या बिजी होंगे, आप कोई संस्था में काम कर रहे होंगे, आप कोई एनजीओ में काम कर रहे होंगे। हमारे इंडिया के कुछ बंदे फंसे हुए हैं दुबई शारजा में। फंसने का मतलब वो नहीं है कि वो जेल में है, का मतलब ये मैं बता दूं, उनका कोई केरला का कोई मालिक था, कंपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एड्रेस नाम पता मैं दे दूंगा। मेरे से संपर्क हुआ साजिद नाम का बंदा है राजस्थान का, और उनके साथ में 35 से 40 वर्कर हैं। उनकी हालत ये है कि 4-5 महीने से पहले से तनख्वाह नहीं मिली, और ये जनवरी से लेके ये देख लो यानी 8-9 महीने से वो बंदे बेरोजगार बैठे हैं। नहीं तो उनके पास काम है, नहीं उनके पास खाने पीने का पैसा है, पानी तक का उनके पास पैसा नहीं है। किस तरह से वो जी रहे हैं वो तो उनको पता है। उनके साथ में बंगाली भी हैं, नेपाली भी हैं, इंडियन सबसे ज़्यादा हैं, केरला राजस्थान के लोग हैं, और भी बिहार के यूपी के लोग हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उनसे थोड़ा सा आप कॉन्टेक्ट करके उनकी हेल्प करें। उनके आसपास शारजा से जो हैं उनसे निवेदन करूँगा। उनका क्या हुआ, जो बता रहे हैं कि जो मालिक था वो जेल चला गया, कंस्ट्रक्शन का कोई कंपनी था केरला का, उनकी न्यूज़ भी आई थी यहाँ के केरला के लोकल टीवी चैनल पे, मैं साथ में फ़ोटो भी ऐड डालूंगा। साजिद नाम का है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर मैं आप दे रहा हूँ, वीडियो भी दे रहा हूँ, वीडियो आप देखिएगा पूरा, आपको लगे कि यार जेनुइन थोड़ा सा अगर हेल्प कर दें। इनमें प्रॉब्लम ये आ रही कि जो स्टाफ के वर्कर थे, जैसे मतलब फोरमैन हो गए, जो ऑफिस से रिलेटेड थे, उनका पासपोर्ट तो उनको मिल गया, लेकिन बाकी के वर्करों को पासपोर्ट भी नहीं दे रहा है। कंपनी के स्टाफ वहाँ पर हैं मौजूद, लेकिन वो कोई बात नहीं सुन रहे हैं। लेबर कोर्ट में भी केस कर रखा है, ऐसी बात नहीं है लेबर कोर्ट में केस कर रहा है, लेकिन भाई क्या है? आपको पता है लेबर कोर्टों में केस चलता रहता है, वीडियो पहले भी बनाए और भी वीडियो आते रहते हैं, 3 दिन में समाधान होगा, उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोकल हो तो ज़रूर इन लोगों की हेल्प करें। मैं नंबर छोड़ रहा हूँ, साजिद नाम है, राजस्थान का बंदा है, इनके साथ में और भी बहुत सारे 30-40 बंदे हैं, तो जो जिनके लगभग 30 से कम बंदों के पास पासपोर्ट नहीं है, तो प्लीज़ उनका पासपोर्ट दिलवाएं अगर आपको लगता है उनके पास। और ख़ास बता दूं, उनका वीज़ा एक्सपायर हो गए, सबके वीज़ा एक्सपायर हो गए, तो अभी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि भाई उनके, आपको पता है वीज़ा एक्सपायर हो गए तो उनका फ़ाइन कितना भयंकर बढ़ गया, तो अभी गवर्नमेंट ने छूट भी दी है कि भाई हाँ, जिनके वीज़ा एक्सपायर हो गए वो अपना फ़ाइन माफ़ करवा के 3 महीने के दौरान इंडिया चला जाए, तो वो ज़्यादा नहीं तो सैलरी तो अगर मिले तो मिले, पासपोर्ट मिल जाए, उनका कुछ आने का जुगाड़ हो जाए इंडिया के लिए। तो प्लीज़ आप शारजा के वाले जो वीडियो मेरा देख रहे हैं जरूर हेल्प करें, नंबर और एड्रेस वहां का छोड़ रहा हूं, आगे आप वीडियो देख लीजिए। धन्यवाद। सामने बोलो। मैं माजून से बोल रहा हूं, शारजा से, और हमारे कंपनी ने दिसंबर से सैलरी नहीं दिया है, 5 महीने का सैलरी ब्लॉक हो गया है, और उसके बाद जनवरी में कंपनी दिसंबर तक 5 महीने का सैलरी नहीं दिया, उसके दिसंबर तक 5 महीने का सैलरी नहीं दिया, जनवरी में कंपनी इसने बंद कर दिया, और जनवरी में कंपनी बंद करने के बाद आज अभी मई चल रहा है, जून आने वाला है, 8 महीना और 8 महीना हो गया, हम लोग का कोई खुशहाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, खाने के लिए हम लोग परेशान हैं, ना एचआर आता है, ना पीआरओ आता है, ना अरबाब आता है, अरबाब बोलता है कि जेल में है। अब हम लोग बताइए किस हालत में जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे हम लोग क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ, किसका सहारा लें। अभी तो इंडिया भी नहीं जा सकते हैं, इंडिया में लॉकडाउन है, इसलिए हम लोग का परेशानी को देखते हुए हम लोग को मीडिया वाले से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का कोई ना कोई इसका सलूशन निकाला जाए। इधर राजस्थानी भी हर स्टेट के हर स्टेट के इधर लोग हैं, राजस्थान के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, इस कंपनी में हर आदमी है, इंडिया के मलबलवारी है, सब लोग परेशान हैं। ये रमज़ान का महीना है, बताइए ऐसे हालत में हम लोग बहुत परेशान हैं, इसलिए मीडिया से रिक्वेस्ट है कि हम लोग का कोई रास्ता निकालो, इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग का कोई रास्ता निकाला जाए, हम लोग अपने अपने घर पहुंचाया जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं, अपने परिवार से दूर हैं। लेकिन कंपनी कोई पीआरओ ख्याल नहीं देता है, एसआर नहीं देता है, कुछ नहीं करता है, और बहुत मुश्किल के पानी भी नहीं मिलता है, इधर बहुत प्रॉब्लम चलता है। फुटमैन 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 बात करो, बात करो, तुम्हारा बात नहीं करो।